कल से प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। 3 दिनों तक वाराणसी में चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मौजूदगी में होगी। आप देख सकते हैं तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फूलों से ये भव्य तोरण द्वार तैयार किया जा रहा है जहां से प्रवासी भारतीयों को एंट्री लेनी है। आगे TFC का एरिया है, यानी जो हस्तकला संकुल है जहां पर मुख्य आयोजन होना है वो ये लेन जाती है। आप देख सकते हैं सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। जो पुलिस के जवान हैं वो अपनी अपनी ड्यूटी पॉइंट्स पर जा रहे हैं। आप इधर भी दिखाना चाहेंगे, चारों तरफ से आप देखिए तैयारियां अब मुकम्मल हैं, पूरी अंतिम रूप में हैं और इनको किस तरह से अंतिम टच दिया जा रहा है अब वो काम चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं से कोई कमी ना रह जाए, इसकी निगरानी करने के लिए सुषमा स्वराज भी शहर में आ चुकी हैं। जनरल वीके सिंह लगातार 2 दिनों से वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं। तमाम कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वाराणसी आ चुके हैं और जो उद्योगपति हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। आज शाम या कल सुबह तक उनकी मुलाकात प्रस्तावित है। आप देखिए कितना बेहतरीन प्रवासी भारतीयों का हार्दिक स्वागत है। फूलों से तैयार किया गया है जो ये प्रवासी भारतीयों के वेलकम के लिए ये बोर्ड है वो फूलों से तैयार हुआ है। ये सेल्फी पॉइंट बन गया है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग यहीं बनारस से हैं। तो यहाँ पे आने का क्या मकसद है? देखने के लिए। निश्चित तौर पर है कि वाराणसी में इतना भव्य आयोजन हो रहा है, हर आदमी चाह रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं से भागीदारी उसकी हो और यही वजह है कि लोग आके यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं ताकि वाराणसी में होने वाले इस भव्य आयोजन में उनकी भी मौजूदगी कहीं से दर्ज हो सके और अंतिम तैयारियां अब जो वाराणसी में ये सम्मेलन की चल रही हैं वो आज शाम तक पूरी हो जाएंगी और कल इस भव्य समारोह की शुरुआत वाराणसी में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विदेश मंत्री व अन्य कई मंत्रियों की मौजूदगी में होगी। गोपाल मिश्र, ETV वाराणसी।